चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव अंतर्गत भाजपा की महिला कमान को पूर्व विधायक अनीता कटारा ने संभाल लिया। ज्ञात रहे इससे पहले विगत विधानसभा चुनाव में अनीता कटारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरी थी और चुनाव हार गई थी, लेकिन अब बता रही हैं कि पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका चुनाव में पार्षदों के समर्थन में यह कदम उठाया है। उन्होंने वार्ड नंबर 12, 17, 18, 19 सहित कई वार्डों का दौरा किया और घर घर जाकर भाजपा के समर्थन में वोट देने की अपील की। अचानक पूर्व विधायक अनीता कटारा के इस चुनाव में पार्षदों को समर्थन के लिए सहयोग और समर्थन देने से महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि अब पूर्व विधायक अनीता कटारा के वापस भाजपा में आ जाने से कहीं न कहीं नगरपालिका चुनाव में भाजपा को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। पूर्व विधायक अनीता कटारा से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे भूतकाल की बातों को भूलकर फिर से पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूती देने के लिए पार्टी के साथ हैं और जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें भाजपा का बोर्ड बनकर आता है तो शीघ्र पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि सागवाड़ा नगरपालिका चुनाव में सभी वार्डों से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री नीरज पंचाल, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दशरथ खटीक सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता और कई वार्डों के पार्षद उम्मीदवार अनीता कटारा की जनसंपर्क रैली में उपस्थित थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैम, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं में काफी उत्साह है और आप यहाँ पर नगरपालिका चुनाव में कौन कौन से वार्ड के लिए आप दौरा कर रहे हैं? मैंने वार्ड नंबर 11 से शुरुआत करी है और वो कंप्लीट हो गया है। अभी वार्ड नंबर है ना 18 और 19 में हम घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ भी घूम रहे हैं हमको पूर्ण विश्वास है हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। मैडम, इससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था और आप चुनाव जो हुए थे विधानसभा के उसमें निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ी थी, तो क्या वजह थी, किस कारण से आपकी पार्टी से नाराजगी थी? देखिए, राष्ट्रीय हित में जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसके लिए काम करने के लिए निकली हूँ। जो भूतकाल था वो बीत गया, मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। मेरे को अभी उम्मीदवारों को जिताना एक ही लक्ष्य है मेरा और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मतलब आप ये बता रही हैं कि पार्टी के हित में अभी आप फिर से चुनाव, जो नगरपालिका के चुनाव हैं उसमें पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए आपने वापस जो है राजनीति में कदम रखा है जी। अभी और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के वार्डवासियों के लिए? जैसा कि विकास के बारे में बात करें तो इस वार्ड में सफाई व्यवस्था और नालियाँ काफी गंदगी से भरी हुई है, ऐसा हमने यहाँ पर वार्ड में पहले भी दौरा किया था तो वार्डवासी बता रहे हैं, तो इस विषय में क्या बताएंगे आप? देखिए, पहले भी है ना हमारा ही बोर्ड आपका ही था, बोर्ड हमारा ही था और जितने भी विकास कार्य हुए हैं बीजेपी के हाथों से ही हुए हैं। और घर में भी हम दिन रात दो टाइम घर में सफाई करते हैं, फिर भी हमारे घर में भी यूँ रहता है कि अरे सफाई दिख नहीं रही है। तो नालियाँ और ये जितना बोर्ड का काम है वो तो कर ही रहे हैं, वो 5 बजे से उठ के, 4 बजे से उठ के, रात को भी 1-1 बजे तक है ना कर्मचारी काम करते हैं। पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपन देखे और खुद की सफाई थोड़ी हम खुद करें, इस प्रकार का हम ध्यान रखेंगे तो सफाई अपने आप दिखेगी। और विकास कार्य में सागवाड़ा में जितना भी विकास हुआ है वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है और जो भी कमियाँ बहुत सी रही भी होगी तो ये हमारे 3535 वार्ड जीतेंगे हम और बोर्ड बनेगा और अधूरे काम पूरे करेंगे निश्चित तौर पे। मैडम, जहाँ पे काम होते हैं तो कमियाँ तो नजर आती हैं और आप इस बात को स्वीकार भी कर रही हैं, तो ये जो नया बोर्ड बनेगा इसमें किस तरह की योजनाएं रहेंगी? देखो, हर उम्मीदवार ने अपनी अपनी हर वार्ड के हिसाब से रणनीति बना रखी है। किसी वार्ड में कहीं पानी की समस्या है या किसी वार्ड में कोई और समस्या है, तो हर उम्मीदवार ने अपनी क्या करना है आने वाले समय में वो पूरी रणनीति बना के रखी है। और हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे कि जितने भी काम अधूरे कहीं हैं वो सब मिलके पूरा करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।
सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।